दोस्तों तीसरे T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है BCCI ने। और अब दोस्तों तीसरे T20 मुकाबला 20-20 ओवर का न हो करके केवल 5-5 ओवर का ही होने वाला है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है सामने। दोस्तों अभी देखना चाहते हो आखिरकार ऐसा क्यों होने वाला है, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों श्रीलंका टीम इस समय भारत दौरे पर आई है, जहां पर पहला T20 मुकाबला खेला गया, जहां पर पहला T20 मुकाबला वानखेड़े के स्टेडियम में खेला गया था। और पहले T20 मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका टीम को आखिरी गेंद पर 2 रन के अंदर से हरा दिया। और उसके बाद दूसरा T20 मुकाबला MCA क्रिकेट ग्राउंड पुणे में खेला गया, जहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका टीम ने बड़ा स्कोर बनाया और 206 रन बना दिए, जिसके जवाब में टीम इंडिया 190 रन बना पाई और 8 विकेट के नुकसान से 16 रन के छोटे से रन रेट से टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। और अब तीसरा T20 मुकाबला कुछ समय बाद स्टार्ट होने वाला है और ये मुकाबला राजकोट के मैदान पर खेला जाएगा आज शाम को भारतीय समय अनुसार 7 बजे, जिसमें आपको कोई बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और दोस्तों पहली वाली टीम तीसरा T20 मुकाबला खेलने के लिए मैदान पर उतरेगी और वहीं आज शाम को ये मुकाबला 20-20 ओवर का नहीं बल्कि 5-5 ओवर का होगा, क्योंकि बारिश के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ गए हैं। दोस्तों अगर बारिश बहुत ज्यादा होती है तो फिर ये मुकाबला 12-12 ओवर का कर दिया जाएगा। अगर 12-12 ओवर का भी नहीं हो पाता तो फिर मैच को 5-5 ओवर का ही कर दिया जाएगा। ऐसी और क्रिकेट से जुड़ी हुई जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब